वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू एबिट फूडीज। बनाना सिखाऊंगी रोजमेरी और जिसको कहते हैं सबस चाय, ग्रीन टी, उसका कावा बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत इजी है। ये रोजमेरी है मेरे पास, ड्राई रोजमेरी है, इसको यूज़ करूंगी, सबस चाय को यूज़ करूंगी, शुगर को यूज़ करूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ ये कावा कैसे बनेगा। मैंने इतना सा पानी ले लिया जितने आपके घर में मेंबर हैं, ठीक है, इतना आप पानी ले लें। इसको थोड़ा सा बॉईल कर लें, 70% इसको आप गर्म कर लें। जब ये गर्म हो जाए तब आपने इसमें रोजमेरी और ग्रीन टी ऐड करनी है। देख सकते हैं पानी तेज़ बॉईल नहीं हो रहा, बुलबुल इसमें नहीं हो रहा, सिमरिंग पॉइंट पर पहुँचा है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ग्रीन टी और रोजमेरी। रोजमेरी और ग्रीन टी आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, जितनी भी आप क्वांटिटी बना रहे हैं, मतलब जितना भी पानी है आपके पास, उससे बहुत कम कम आपने दोनों चीज़ें ऐड करनी है। 3 कप ग्रीन टी बनेगा, तो ग्रीन टी देखिए मैंने कितनी सी डाली है, 1.5 टीस्पून होगा, या आप इसको 1 टीस्पून ही कर लें। आपने ये है रोजमेरी, ये आप देख लें किस तरह की है, ये आपने 1/2 टीस्पून यूज़ करनी है। तो दोनों चीज़ें आप देख लें, देख लेंगे अच्छे से। तो अब मैं इसको ऐड करूँगी गर्म पानी में। तो ये देखिए, ये मैंने इसमें इसको डाला, शुगर अभी आपने इसमें ऐड नहीं करनी। तो मैं इसको कवर करके रख रही हूँ 5 मिनट के लिए, 5 से भी कम मिनट के लिए आपने इसको रखना। अगर काफ़ी ज़्यादा आपका कावा है तो आप इसको 5 मिनट के लिए रख लें, अगर कम है 3 कप है तो 2 मिनट के लिए आपने इसको कवर करना है। कवर करके आप टाइम नोट कर लें, 2 मिनट जैसे ही पूरे हो तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, ये अब आप देखिए अच्छे से बॉईल हो चुका है। इस टाइम पे आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपने इसमें शुगर ऐड करनी है जितनी आपको पसंद है। शुगर ऐड करने के बाद आपने इसको मिक्स करना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद कुछ सेकंड के लिए आपने फिर से इसको कवर करना है। जैसे ही चीनी इसमें मिक्स हो जाए तो आपने इसको सर्व कर देना है, मेहमानों के आगे या खुद के आगे या किसी के आगे भी। आप देख सकते हैं ग्रीन टी और रोजमेरी का कावा मेरा बिल्कुल रेडी है, बहुत मज़े का बना है। जैसे कि ईद के दिन है, ईद के दिनों में ये कावा बेस्ट है। ऑयल और ऑयल वगैरह हमारी बॉडी में काफ़ी जमा हो जाता है, बीपी हाई होने का काफ़ी वो होता है। तो आप लोग इस कावे को ज़रूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत अच्छा फील होगा, मूड रिलैक्स हो जाएगा और स्किन भी काफ़ी अच्छी होती है रोज़मेरी के कावे से। आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे फीडबैक देना है कि आप लोगों को कैसा लगा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगती हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।